स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की ए जनरल विशिंग टू ड्रॉ हिज ए 16,160 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ ए सोलिड स्क्वायर। स्टूडेंट, सोलिड स्क्वायर, तो फाउंड डैट कि ही हैड 31 सोल्जर लेफ्ट। तो स्टूडेंट क्या होते हैं, 31 सोल्जर जो है लेफ्ट हो जा रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर इन फ्रंट ऑफ लाइन, तो फ्रंट ऑफ लाइन पर क्या होगा। तो स्टूडेंट, जैसे स्क्वायर टाइप है, तो आप लोगों ने ज्योमेट्री में स्क्वायर जैसे बताया गया कि स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। तो स्टूडेंट, इसको जब इन लोगों को खड़ा अरेंज किया जा रहा है रो और कॉलम में, तो नंबर ऑफ ए जो भी रो हो रहे हैं, नंबर ऑफ ए रो एंड नंबर ऑफ ए कॉलम दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट, अब हम लोग को जब इस तरह से किया जा रहा है, जनरल जो है इस तरह से कर रहा है, तो उसमें क्या है, 31 जो है सोल्जर लेफ्ट हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको माइनस कर लेंगे स्टूडेंट यहाँ से। तो ये हम लोग को 31 माइनस करते, जब आप लोग 31 माइनस करिएगा तो 16,129 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया। अब स्टूडेंट, हम लोग क्या करना है कि हम लोगों को नंबर ऑफ ए सोल्जर निकालना है। हम लोग क्या करेंगे कि इसी का जो है स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के मैंने आप लोगों को बताया है स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं स्पेस लेता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हम लोगों को आया था यहाँ पर 16,129। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, तो एक पेयर बन गया। अब 1 लिखें, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर स्पेस नहीं, तो यहाँ पर 1 लिखें। अब यह से 1 से कट गया, उसके बाद 1 यहाँ पर 2 हो गया, और फिर हम लोग 61 लेते हैं। अब कितना आएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग 2 से है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिखें, तो यहाँ पर 44। अब माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1, और ये क्या हो जाएगा, ये 24 हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग क्या आ जाए, जैसे जानते हैं कि इसमें यहाँ पर 29 जो है डबल डिजिट आएगा यहाँ पर, तो ये दोनों आ जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको कितना से जाएगा, तो स्टूडेंट 7 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 9 है। यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग 7, और स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, तो 7 से बन जा क्या होता है स्टूडेंट 49, तो कैरी 4 हुआ। और यहाँ पर 4 और 7 28, यहाँ पर 32 और 3, और 2 से बन जा 14 और 3 हम लोग 17 हो जाएगा स्टूडेंट। ये आप लोगों को कट गया, और इसको हम लोग प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 254, और तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 127। तो यही नंबर ऑफ ए सोल्जर इन फ्रंट ऑफ लाइन आप लोगों को क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए में है। तो स्टूडेंट आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है स्टूडेंट 8 हो गया, अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट यहाँ पर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड 96 और मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब 96 में हम लोग कितना प्लस करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए स्टूडेंट यहाँ पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके आगे क्या है, 100 है, तो हम लोग इसमें कितना प्लस करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 4। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कंपनी कमांडर विशिंग टू ड्रॉ अप ए हिज 238 में इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर, तो फाउंड दैट कि ही हैड ए 13 मेन ओवर। तो यहाँ पर स्टूडेंट ओवर है, बच जा रहा है, यानी कि लेफ्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बताए थे, उसी टाइप से जो है ये भी क्वेश्चन है, टैली कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए मेन इन द फॉर्म, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 238 में से हम लोग क्या करेंगे, 13 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 225। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जैसे आप लोग को पता है कि 15 होता है,
तो यही क्या हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, यही द नंबर ऑफ ए मैन इन फ्रंट ऑफ ए लाइन, तो आप लोगों को ये हो जाएगा 15। तो आंसर हो गया स्टूडेंट जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे चलिए, अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11, 12 आप लोग अपने से कर लीजिए। तो स्टूडेंट आज जो है हम लोगों का स्क्वायर रूट का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब जो है हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में जो है क्यूब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद जो है अपना जो भी हम लोगों का चैप्टर जो है IQ का है, अब उस पर जो है हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे नया चैप्टर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।